हेलो दोस्तों, मैंने एक मूली ली है। उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, छील लिया, उसको अच्छे से घिस लिया है, यानी ग्रेट कर लिया है मैंने। और उसका पानी निचोड़ के मैंने उसमें डाल दी है एक कटी हुई हरी मिर्च। ये देखिए जी, पतली बारीक काट ली थी। फिर थोड़ा हल्का सा धनिया डाला, फिर लाल मिर्ची डाली है, और उसके बाद थोड़ा नमक डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। और धनिया की कमी लग रही है मुझे, तो मैं सोच रही थोड़ा और धनिया डाल लूँ। धनिया पाउडर डाल लिया, धनिया पत्तियाँ डाल ली, और इसको कर लेंगे अब हम मिक्स। मिक्स हम चम्मच से करेंगे, चम्मच से नहीं हो तो आप हाथ से कर सकते हैं। ये चम्मच से मुझसे अच्छे से मिल नहीं रही है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं हाथ से मिक्स करूँ। और मैं इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, और ज़्यादा मसाले वैसे भी सुबह सुबह नहीं खाने चाहिए, इसलिए कम ही मसालों में मैं इस चीज़ को बनाऊँगी। ये अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, आपने भी इसी प्रकार मिक्स करना है। और ये देखिए कितने अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे साइड में मिक्स करके। ये देखिए मिक्स हो चुकी है, साइड में रख लेंगे। और एक प्लेट में हम रख लेंगे एक ब्रेड। ब्रेड ले लिया है, उस पर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैं ये मूली की स्टफिंग लगाऊंगी। अच्छे से मूली की स्टफिंग लगा लेंगे पूरे ब्रेड पे। ये देखिए जी, पूरे ब्रेड पर अच्छे से हम लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ब्रेड और रख देंगे। ये बहुत बढ़िया टोस्ट बन के तैयार हो जाएगा सुबह नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट में ऐसा ब्रेकफास्ट करें जिससे पेट भी भर जाए और शरीर को फ़ायदा भी हो। और ये देखिए जी, इसके ऊपर ब्रेड रख दिया। अब इसको हम रखेंगे टोस्टर में। टोस्टर में मैंने इसमें लगा दिया था घी, और इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है। ये मुझे सेकने मुझे लगा 3 से 4 मिनट टोस्टर में। आप चाहे तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा क्रंची बन के तैयार होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार नाश्ता बना के खाएं। धन्यवाद। गुड नाइट एंड टेक केयर।